नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मैच खेला जाएगा 7 जून को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पहले T20 मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पहले T20 मैच के लिए आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की पिच रिपोर्ट क्या है, वहीं पर इस पहले मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की पिच पर इस पहले T20 मुकाबले में कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस पहले T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पहले T20 मैच के लिए आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो दोस्तों, इस मैदान पर अभी तक T20 इंटरनेशनल के 41 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 19 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने, यानी कि चेजिंग साइड ने, 22 मैचेस जीते हैं। और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 152 रन का रहा है, वहीं पर एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 132 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन ओवरऑल स्टैट से एक बात साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप यहां पर टॉस जीतोगे तभी मुकाबला जीत पाओगे। यहां पे दोनों टीमों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, चाहे आप पहले बल्लेबाजी करो या फिर पहले गेंदबाजी करो, और ये चीज आपको स्टैट्स में भी दिख रही है, जहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है एरन फिंच, उन्होंने मैच से पहले जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 अनाउंस करी है उसमें 3 फास्ट बॉलर्स को इंक्लूड किया है और सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को ही लिया है। और वो इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर काफी ज्यादा बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों से, और इसके अलावा मैच वाले दिन भी काफी बारिश की फोरकास्ट है, क्लाउडी कंडीशंस रहेंगी। तो ऐसे में दोस्तों, उन्हें ये उम्मीद है कि यहां पर स्टिकी कंडीशंस रहने वाली हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वेट कंडीशंस देखने को मिलेंगी, पिच में भी यहां पर काफी ज्यादा मॉइस्चर रहेगा। ऐसे में वो उम्मीद कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए इस पिच पर हेल्प रहेगी। हालांकि स्पिनर्स की भूमिका भी रहने वाली है, लेकिन उतनी आपको हेल्प स्पिनर्स की यहां पर देखने को नहीं मिलेगी जितना यहां पर पहले देखने को मिलती थी। इसलिए दोस्तों, यहां पर वो ज्यादा फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, और इसी वजह से दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है, क्योंकि यहां पर जो वेदर फोरकास्ट है और यहां की जो कंडीशंस हैं इस समय, वो फास्ट बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा सूट कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं होगी। सेकंड इनिंग्स में दोस्तों, जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स काफी बड़ी भूमिका आपको निभाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा बड़ा स्कोर इस मैदान पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। यहां पर फर्स्ट इनिंग्स में अगर जो टीम बल्लेबाजी करते हुए 150 से 160 के बीच स्कोर बना लेती है तो वो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा स्कोर साबित होता है। जो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, उनमें से 4 मैचेस में जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 130 या इससे नीचे ही बना है, और सभी मैचेस में ये स्कोर चेज हो गया है। लेकिन जिस एक मुकाबले में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 160 के आसपास बना था, वो स्कोर यहाँ पर इजीली डिफेंड हो गया था। तो आप देख सकते हो कि अगर 150 से 160 के बीच में फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम बना लेती है, तब दोस्तों इतना स्कोर इस मैदान पर चेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस मैदान के कुछ ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर ले, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो बांग्लादेश की टीम ने बनाया था श्रीलंका के खिलाफ 215 रन 5 विकेट के नुकसान पर, वहीं पर जो लोएस्ट टोटल है वो इंडियन टीम ने बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ 80 ऑल आउट। इसके अलावा जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ है वो बांग्लादेश ने किया था श्रीलंका के खिलाफ 215 रन 5 विकेट के नुकसान पर, वहीं पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने किया था श्रीलंका के खिलाफ 115 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस पहले T20 मैच में आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें, तो टोटल 15 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 35 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं, जहां पर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 14 विकेट लिए हैं जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को सिर्फ 1 विकेट मिला है, वहीं पर राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 9 विकेट लिए हैं जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 12 विकेट मिले हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 14 विकेट्स मिले हैं। तो दोस्तों, आप इन स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि यहां की पिच पर
स्पिनर्स का ही बोलबाला रहता है और स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है इस पिच पर। इसलिए दोस्तों इस मुकाबले में भी आप देखेंगे कि जो स्पिनर्स हैं वो काफ़ी बड़ी भूमिका आपको निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों क्योंकि इस ये सीज़न का पहला T20 मैच इस पिच पर होने जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से बारिश भी हुई है और मैच वाले दिन भी क्लाउडी कंडीशन ही फोरकास्ट की गई हैं और इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट इनिंग्स होगी वहाँ पर स्पिनर्स का रोल बहुत बड़ा नहीं होगा, वहाँ पर मॉइस्चर की वजह से जो तेज़ गेंदबाज हैं वो ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच इस पर होता जाएगा सेकंड इनिंग्स में मुझे लगता है कि जो स्पिनर्स हैं उनकी भूमिका ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वो तेज गेंदबाज भी इस पिच पर इफेक्टिव साबित हो सकते हैं जो अपनी गति में मिश्रण करते हैं, यानी कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा रखने हैं कंपेयर टू स्पिनर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हो, और उन 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले T20 मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने आज ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है इस पहले T20 मैच के लिए वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, जहां पर वो 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर और 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ उतरने वाले हैं। तो आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। कप्तान के रूप में आपको नजर आएंगे एरन फिंच, उनके साथ ओपनिंग करेंगे डेविड वॉर्नर, 3 नंबर पर आएंगे मिचेल मार्श, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर स्टीव स्मिथ, नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस, नंबर 7 पर विकेटकीपर मैथ्यू वेट, नंबर 8 पर एश्टन एगार्ट, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पर केन रिचर्डसन और नंबर 11 पर जॉश हेजलवुड आने वाले हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले T20 मैच के लिए श्रीलंका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों श्रीलंका की टीम इस पहले T20 मैच में 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है, जहां पर आपको इनकी प्लेइंग 11 में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे पतुम निसंका के साथ धनुष्का गुणातिलका, नंबर 3 पर आ सकते हैं कुशल मेंडिस, नंबर 4 पर चरित असलंका, नंबर 5 पर विकेटकीपर भनुका राजपक्षा, नंबर 6 पर कैप्टन दसुन चांदका, नंबर 7 पर वानिंदु हसरंगा, नंबर 8 पर चमिका करुणारत्ने, नंबर 9 पर दुष्मंता चमीरा, नंबर 10 पर महेश दीक्षाना और नंबर 11 पर मतीशा पथिराना आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले T20 मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का T20 इंटरनेशनल में आमना सामना टोटल 22 बार हुआ है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 13 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम 9 मैचेस ही जीत पाई है। तो दोस्तों ओवरऑल रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले पहले बल्लेबाजी करते हुए तो पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम 3 मैचेस ही जीत पाई है। इसके अलावा सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम 6 मैचेस ही जीत पाई है। तो चाहे बात हो पहले बल्लेबाजी की या फिर बात हो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने की, यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इन दोनों टीमों के बीच खेले गए लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस की, तो यहां पर भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें पिछले 5 हेड टू हेड मैचेस जो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 मैचेस जीते हैं जबकि श्रीलंका की टीम सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। और दोस्तों उन 4 मैचेस में से 1 मैच टाई हो गया था जो कि सुपर ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसके अलावा अगर हम बात कर लें दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म जो कि T20 इंटरनेशनल्स में चल रही है, तो श्रीलंका की टीम ने जो अपने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं उसमें से 4 मुकाबले हारे हैं जबकि सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो अपने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं जबकि सिर्फ 1 मुकाबला हारा है। तो रीसेंट फॉर्म के हिसाब से भी ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है श्रीलंका के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात कर लें इस वेन्यू पर, तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर 7 मैचेस खेले हैं जबकि श्रीलंका ने 10 मैचेस खेले हैं। श्रीलंका का जो विनिंग परसेंटेज है इस मैदान पर 30% है जबकि ऑस्ट्रेलिया का 71% है जो कि बेहतर है, और एवरेज स्कोर के मामले में जो श्रीलंका की टीम है वो थोड़ा सा बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से। श्रीलंका का 132 है जबकि ऑस्ट्रेलिया का 127 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी थोड़ा सा बेहतर है श्रीलंका की टीम, उनका 214 है जबकि ऑस्ट्रेलिया का 147 है। इसके अलावा लोएस्ट स्कोर के मामले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़्यादा बेहतर है, इनका जो ओवरऑल स्कोर है वो 100 है और श्रीलंका का जो लोएस्ट स्कोर है वो 82 है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर भी श्रीलंका से काफ़ी ज़्यादा बेहतर टीम नज़र आ रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले T20 मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो ओपनिंग के मामले में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के मामले में जो ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर है वो ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बैटिंग डेप्थ की बात कर लें तो यहाँ पर मामला मुझे बराबरी का लग रहा है। श्रीलंका के पास भी काफ़ी ज़्यादा गहराई है बल्लेबाजी में,
है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग डेप्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर हम पेस बॉलिंग अटैक की बात कर ले तो यहाँ पर क्लियर विनर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है इन कंपैरिजन टू श्रीलंका। इसके अलावा अगर हम बात कर लें स्पिन बॉलिंग अटैक की तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम बाजी मारते हुए नजर आ रही है। श्रीलंका का जो स्पिन अटैक है वो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरऑल अगर हम प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। इसके अलावा इनकी प्लेइंग 11 मुझे हर डिपार्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात कर लेंगे टीम फॉर्म की, करंट फॉर्म की, या फिर बात हो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की, यहाँ पर भी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वही ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। तो दोस्तों रिकॉर्ड्स के हिसाब से, करंट फॉर्म के हिसाब से तो यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में एज अ फेवरेट स्टार्ट कर रही है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों हम पास्ट में देख चुके हैं कि जो श्रीलंका की टीम है वो अपने घर पर हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है और उन्हें इस मुकाबले में भी होम सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका की टीम यहाँ पर चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया को चौंका सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों इससे पहले T20 मुकाबले की जो विन प्रेडिक्शन है वो मेरी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाने वाली है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो आप श्रीलंका की टीम की तरफ से पतुम निसंगा को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 312 रन बनाए हैं 31 के एवरेज और 118 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा कैप्टन दसुन शानका के साथ भी आप जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 291 रन स्कोर किए हैं 48 के एवरेज और 141 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से डेविड वार्नर को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 4 मैचेस में 209 रन बनाए हैं 69 के एवरेज और 151 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप कैप्टन एरन फिंच के साथ भी जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 187 रन स्कोर किए हैं 18 के एवरेज और 110 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। तो अगर हम सबसे पहले श्रीलंका के बॉलर्स की बात कर लें तो यहाँ से आप दुश्मंता चमीरा के साथ जा सकते हो जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। पिछले 10 मैचेस में 11 विकेट्स लिए हैं 8.83 की इकॉनमी और 20.81 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप राइट आर्म लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा को भी इस फैंटेसी 11 में ज़रूर रखना। पिछले 4 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं 6.94 की इकॉनमी और 9.60 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हैं 6.81 की इकॉनमी और 9.17 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर केन रिचर्डसन के साथ भी जा सकते हो। पिछले 4 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं 8.74 की इकॉनमी और 11.75 के स्ट्राइक रेट के साथ। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है और कौन सी टीम ये पहला T20 मुकाबला जीतने वाली है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।